पानीपत में पिछले साल जून में एक हजार करोड़ से फर्जी जीएसटी बिलिंग मामले के दूसरे आरोपी विपुल जिंदल को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसकी गिरफ्तारी पानीपत के अंसल स्थित उसके घर से हुई है। इस फर्जीवाड़े के मास्टरमाइंड राजेश मित्तल समेत छह आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। एक वकील सहित इन सातों आरोपियों ने सरकार से 80 करोड़ का रिफंड ले लिया था। पानीपत में पिछले साल जून में 1000 करोड़ के फर्जी बिल काटकर जीएसटी में फर्जीवाड़ा करने के दूसरे आरोपी विपुल जिंदल को भी जीएसटी की टीम की मदद से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के वक्त विपुल जिंदल पानीपत की अपनी सुशांत सिटी के घर में था। पूछताछ में उसने बताया कि वो 15 महीने तक ऋषिकेश की अलग अलग धर्मशालाओं में छिपता रहा। इस कांड के मुख्य सरगना राजेश मित्तल समेत 6 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। इन सातों ने मिलकर कई फर्मों के नाम से बोगस बिल काटे और सरकार से 80 करोड़ का जीएसटी रिफंड ले लिया था। पहले पकड़े गए आरोपियों की कार से उस वक्त 24 चेक बुक्स, ब्लैंक चेक्स और डीटीसी ईटीओ के नाम की मोहरें भी बरामद हुई थी। गौरतलब है कि पानीपत के तत्कालीन डीईटीसी राजा राम ने एक केस पकड़ा था और स्टेट कमिश्नर से इन सातों की गिरफ्तारी की अनुमति ली थी। उस दौरान राजा राम ने ये केस पकड़ने के अलावा 28 करोड़ की रिकवरी भी की थी। पानीपत में बड़े पैमाने पर फर्जी बिलिंग का ये मामला सीएम तक भी पहुंचा था। चार्जिस तो सारी की सारी जो इंक्वायरी की रिपोर्ट है वो हेड ऑफिस हमारे चंडीगढ़ में एक हमारे अधिकारी है, वो इंक्वायरी कर रहे हैं, उसके बेस पे हमने कराई। हालांकि सी फार्म जारी करने वाले दूसरे फर्जीवाड़े में विभाग के तत्कालीन 3 अफसरों पर अभी भी कार्रवाई नहीं हुई, यानी पानीपत डीटीसी दफ्तर चर्चाओं में तो रहा ही है। चलिए, एक फर्जीवाड़े की कार्रवाई तो पूरी हुई। टोटल न्यूज़ पानीपत ब्यूरो।